हेलो गाइस, मैं हूं विनोद खेमानी और इस चैनल पर हम जनरली बात करते हैं अबाउट मेंस लाइफस्टाइल, स्टाइलिंग, ग्रूमिंग एंड फिटनेस। पर आज हम उस पर बात नहीं करने वाले। एज यू नो फ्रॉम द टाइटल, आज टॉपिक बहुत अलग है। देखिए, मंडे को क्या हुआ है। इस मंडे को, 2 दिन पहले, मुंबई में 6:30 बजे के आसपास शाम को अर्जुन भारद्वाज जंप्ड फ्रॉम द 19th फ्लोर ऑफ ताज लैंड्स एंड होटल एंड कमिटेड सुसाइड। अब मैंने मीडिया रिपोर्ट देखी हैं, उसमें इट्स स्टेटेड कि ही हैड अ बिग बिग प्रॉब्लम विद ड्रग्स। ही वाज हेवीली इनटू ड्रग्स एंड दैट इवेंचुअली लेड टू दिस ड्रास्टिक स्टेप। अब मीडिया ये भी स्पेकुलेट कर रही है कि ही वाज हेवीली इनटू डेट्स। उसको बहुत सारा पैसा बकाया था, उसका बहुत सारा कर्ज हो चुका था उसके ऊपर। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से इतना बड़ा ड्रास्टिक स्टेप लिया अर्जुन ने, और डिप्रेशन में था वो, मीडिया रिपोर्ट्स में दिया हुआ है। ऑब्वियसली डिप्रेस था यार, वरना इतना बड़ा, इतना ड्रास्टिक स्टेप कौन उठाता है, राइट? एंड देयर वाज वन मोर वेरी स्ट्रेंज थिंग अबाउट दिस। मतलब सुसाइड करने के थोड़ी देर पहले ये एक्चुअली स्टार्टेड लाइव वीडियो ऑन फेसबुक, राइट? टाइटल था उसका हाउ टू कमिट सुसाइड, एंड उसमें वो कुछ स्टेप्स बता रहा है कि पहले आप नोट्स लिखिए अपने घर वालों को, क्योंकि उनको बिना बताए ठीक नहीं होता जाना। दूसरी बात है, कहता है आप बहुत सारा पी लीजिए, शराब पी लीजिए बहुत सारी। उसके बाद ही से इसके अब रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा मैं, साइन ऑफ कर देता है बाय सेइंग सी यू ऑन द अदर साइड। अब ये फैक्टर्स जो हैं, ड्रग्स, बहुत सारा पैसा उसके ऊपर कर्ज था लोगों का, और वो भी ऐसे लोगों का, आई मीन ड्रग पेडलर्स एंड ड्रग माफिया, सो टू स्पीक। Obviously, he was getting a lot of threats, right? So it's pretty easy to get really afraid, and depression में जाना बनता ही है यार। But मैं ये कह रहा हूँ, क्या हो सकता था, किस तरह से ये चीज़ avoid हो सकती थी कि one precious life would have been, you know, saved। ये situation avoid हो सकती थी because if he was into drugs and everything, then after that he went into depression. Maybe at some point in time he realized that he was like not doing the right thing by doing drugs and all. जब ये debt बढ़ने लगी इन लोगों की, तब एक amount हुआ होगा जो इतना बड़ा नहीं था शायद कि उसको suicide करना पड़ता। शायद उस वक्त वो amount negligible हो जाती अगर वो express कर देता अपना issue, discuss कर लेता अपनी family के साथ, अपने parents के साथ, या एक फ्रेंड के साथ जो उसको सही डायरेक्शन देता, गाइडेंस देता। जब पेरेंट्स से दूर रहते हैं बच्चे, तो मुझे लगता है पेरेंट्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का कि कहीं बच्चा परेशान तो नहीं है, कहीं संगत ठीक है या नहीं है। मतलब ये ऑब्वियस सी बातें हैं यार, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, ये तो सब सिंपल सी ऑब्वियस सी बातें हैं, बट सम वॉट ये ऑब्वियस सी बातें फॉलो नहीं हुई इस केस में, राइट? My heart goes out to his family. I mean, it's a sad thing. It's a really terrible time for them, for that family and friend of his. Now, आपको कुछ changes notice होते हैं when your kid, when your friend is not, you know, in his proper state of mind. He is not happy, he is feeling sad. We all feel sad. हम दुखी feel करते हैं, हम सभी करते हैं, हम सभी sad feel करते हैं, हम सभी depressed feel करते हैं, but most of them temporary होता है। कुछ time के बाद में वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं या situation संभल जाती है। इस case में ऐसा नहीं हुआ, तो it was, I am just speculating कि अगर ऐसा कुछ problem आप face कर रहे हैं, मैंने पहले भी, मैं 2 दिन से सोच रहा था ये वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, बट मुझे लगा कि अगर ये वीडियो बनाने से अगर एक भी इंसान के पास ऐसा मैसेज जाता है कि अगर कोई ऐसा इशू है, ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, तो प्लीज़ अपने तक मत रखिए, उसको डिस्कस कीजिए। मुझे नहीं लगता है ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी दुनिया में जिसका हल नहीं है, बट आप अकेले ही अगर उसको बर्डन लेते रहेंगे तो लॉट ऑफ थिंग्स कैन गो रॉन्ग लाइक इन दिस केस। सो डिप्रेशन बहुत बड़ी बात नहीं है, ये इसका भी इलाज हो सकता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सिर्फ ये चीज़ है कि आप एक्सप्रेस कीजिए अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को, दोस्तों को,
आपके जो करीबी लोग हैं उनको उनको एक्सप्रेस करके बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, आप क्या फेस कर रहे हैं, व्हाट ऑल डिफिकल्टीज यू आर फेसिंग, राइट। हो सकता है हल निकल आता बहुत पहले ही जब ड्रग्स इतने हैवीली हावी नहीं होते अर्जुन के ऊपर, या हो सकता है जो अमाउंट है वो एकदम आउट ऑफ हैंड नहीं होता अर्जुन के या उसकी फैमिली के। हो सकता है सिचुएशंस हैंडल हो जाती, बट इतना डीप जाने के बाद इनटू ड्रग्स, ये कर्ज वगैरह जो आ गया उसके ऊपर, ऐसे लोगों का कर्ज, आई एम श्योर ही माइट बी गेटिंग अ लॉट ऑफ थ्रेट्स। तो आखिरी में यहां इतना प्रेशर पड़ा कि नहीं हो पाया हैंडल उससे। तो गाइस, बड़ा प्रॉब्लम हो छोटा प्रॉब्लम हो, अगर आप सैड फील कर रहे हैं, यू फील यूर डिप्रेस्ड अबाउट समथिंग, आपको इश्यू है जो आपसे नहीं संभल रहा है, तो प्लीज गो आउट, टॉक टू हू एवर यू थिंक इज द क्लोजेस्ट पर्सन टू यू, द पर्सन हु कैन एक्चुअली हेल्प यू आउट विद इट, और एटलीस्ट यू नो प्रोवाइड यू विद अ प्रॉपर वे हाउ टू अप्रोच दिस सिचुएशन, हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई मीन दिस इज अ सैड सैड इंसिडेंट दैट हैपेंड, एंड आई होप कोई और ऐसा इंसिडेंट ना आए सामने हमारे। तो अगेन आई एम रिपीटिंग इट, आई नो आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, इफ यू आर फेसिंग एनी इश्यू, डिप्रेशन, दिस दैट, देर आर वेज टू हैंडल इट, इट्स नॉट इनक्योरेबल, जस्ट गो एंड टॉक टू समवन, जस्ट गो एंड एक्सप्रेस इट टू समवन हु वुड अंडरस्टैंड, वुड नो, वी ऑल हैव आर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स, राइट। सो डोंट कीप इट टू योर सेल्फ, इफ यू आर फेसिंग एन इशू यू थिंक इन द स्टार्ट यूल बी एबल टू हैंडल इट, इफ थिंग्स गो आउट ऑफ हैंड, फैमिली इज समथिंग यू शुड ऑलवेज गो टू, राइट, एंड फ्रेंड्स इज वेल। सो डीलिंग विद डिप्रेशन इज नॉट अ ह्यूज इशू दीज डेज। सो गाइज, दिस इज इट, दिस इज ऑल आई हैड टू से इन द वीडियो। रेस्ट इन पीस अर्जुन भारद्वाज, एंड माई डीपेस्ट कंडोलेंसेज टू द फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑफ अर्जुन भारद्वाज, एंड दिस इज इट, आई एम एंडिंग द वीडियो राइट अवे, एंड इन द मीनवाइल दिस इज वीके साइनिंग ऑफ।